हेलो फ्रेंड, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, एक नया लेसन सीखने वाले हैं। आप अपने सर्विक्स की जांच कैसे करेंगे इसके बारे में जानने वाले हैं। आपको किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको ओव्यूलेशन नहीं समझ में आ रहा है, ना ही आपको सिम्टम मालूम चल रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है ओव्यूलेशन को समझना और कंसीव करने के लिए एक महीना लेट हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन लेकर आई हूँ, जो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है, कब करना है, तरीका क्या अपनाना है और इसको समझना कैसे है। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं बताने वाली हूँ सर्विक्स के पोजीशन के बारे में। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करके आपके सर्विक्स के पोजीशन को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देते हैं। तो ये फिंगर टेस्ट आप घर पर खुद कैसे करेंगे वो मैं आज की वीडियो में समझाऊंगी। ये आप खुद भी कर सकती हैं, बहुत ही आसान है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए फ्रेंड, सर्विक्स की जो पोजीशन होती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो की है कि सर्विक्स की पोजीशन पूरी मंथली साइकिल के दौरान बदलती रहती है और ये बदलती हुई पोजीशन हमें बताती है कि कब हमारा शरीर कंसीव करने के लिए तैयार है और कब हमें क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हम सर्विक्स के पोजीशन को पूरे महीने ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सर्विक्स की पोजीशन कब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, पीरियड जिस दिन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, सपोज आज आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो कल का गैप दीजिए और उसके नेक्स्ट डे से टेस्ट स्टार्ट करना है, अगला पीरियड आने तक कर सकते हैं। अब कैसे करना है, तो जब आप नहाते हैं उसके बाद ये टेस्ट करिए, क्योंकि नहाने के बाद आपका शरीर साफ हो चुका होता है, तब आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और क्या सावधानियां रखनी है, तो इसमें आपके हाथों का यूज होगा, तो आपको हैंड वॉश करना है साबुन से टेस्ट करने के जस्ट पहले। नाखून कटे हुए होने चाहिए। टेस्ट कैसे करना है, तो आपको अपना एक पैर ऊपर करना है, आप चाहें तो एक चेयर रख लें, तो एक पैर आपका ज़मीन पर होगा और दूसरा पैर चेयर पर होगा, ताकि आप अपनी फिंगर को अच्छी तरह इंसर्ट कर सकें। आप चाहें तो कबोर्ड पर भी एक पैर रख कर ये टेस्ट कर सकते हैं, बस एक पैर आपका ऊपर होना चाहिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस मेथड से आपने पहली बार टेस्ट किया है उसी मेथड से पूरे महीने टेस्ट करें। सपोज अगर आपने कबोर्ड पर पैर रखकर टेस्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो हमेशा आप कबोर्ड पर ही पैर रखकर टेस्ट करें, और यदि चेयर पर रखकर कर रही हैं तो चेयर पर ही पैर रखकर करें। अब आपको काम क्या करना है, तो पीरियड ख़त्म होने के एक दिन बाद से अपने वजाइना में अपनी फिंगर को इंसर्ट करके सर्विक्स की पोजीशन को समझना है। कैसे करेंगे, अपनी दो फिंगर को वजाइना में इंसर्ट करना है, बहुत ही जेंटली इंसर्ट करना है, आराम से। अगर आपका पीरियड फर्टाइल नहीं है तो आपको अंदर ड्राइनेस फील होगी और फिंगर ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी, एक हार्डनेस, एक टेढ़ापन फील होगा। क्यों, क्योंकि सर्विक्स का मुंह यानी बच्चेदानी का मुंह अंदर से बंद है, और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड आने वाला होगा उस समय अगर आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, तो जैसे ही महीने के बीच के दिन आएंगे जब आपका ओव्यूलेशन होगा, फर्टाइल डेज में जब आप फिंगर इंसर्ट करेंगे तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, गीलापन रहेगा, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहेगी और बिल्कुल पानी जैसा डिस्चार्ज रहेगा, लुब्रिकेटेड रहेगा, आपकी फिंगर ज़्यादा अंदर तक जाएगी, क्योंकि आपका सर्विक्स इस समय ऊपर की तरफ चला जाता है, ओपन हो जाता है। कई बार एकदम सटीक टाइम होता है कुछ घंटों का, तो उस समय आपका सर्विक्स फिंगर डालने पर फील भी नहीं होगा, क्योंकि वह इतना अच्छे से ओपन हो जाता है कि वह वजाइना के वाल से टच हो जाता है, और ये बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने का। उस समय आपका ओव्यूलेशन, इस समय इंटरकोर्स रखने से
मैक्सिमम चांस होता है कंसीव करने का। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ओव्यूलेशन के बाद भी अपनी वजाइना का टेस्ट कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि मेरा फर्टाइल पीरियड कब था। बाद में वही ड्राइनेस, वही रूखापन, वही हार्डनेस, वही टेढ़ापन महसूस होगा। और जब फर्टाइल डेज होंगे तब आपको सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, ओपन अंदर फील होगा। फिंगर अंदर तक इंसर्ट होगी और सर्विक्स ऊपर की तरफ चली जाती है। इनफर्टाइल डेज में सर्विक्स नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये सर्विक्स की जो दो पोजीशन होती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देती है कि आप कंसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।